सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वाटर टैंक फुल अलार्म सिस्टम। और ये जो अलार्म सिस्टम है, आप इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कहीं भी आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। रूम में, बालकनी में, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। आप जब इसको खरीदने जाएंगे, एक वाटर टैंक अलार्म सिस्टम आप जब खरीदने जाते हैं, तो वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। इसके लिए आपको 300 से 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो है, इसे आप बहुत ही आसानी से 40 से 50 रुपए में अपने घर पे बना सकते हैं पुराने मोबाइल चार्जर की मदद से। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक पुराना मोबाइल चार्जर यूज किया है। आप भी इसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो ये जो अलार्म सिस्टम है, बहुत ही काम का होगा। जब भी आपकी टंकी फुल हो जाएगी, तो ये आपको सूचित कर देगा और बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होने से बच जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बात और, आप अब हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक मोबाइल चार्जर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये सस्ता वाला मोबाइल चार्जर है। आपके पास भी कोई पुराना मोबाइल चार्जर पड़ा हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। अगर आपके पास मोबाइल चार्जर नहीं हो, तो इस मोबाइल चार्जर की सर्किट जो मैं अंदर से निकालूंगा, वो सर्किट मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। आप उसको खरीद कर जो है ला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके, यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया है। अब चलिए इसकी सर्किट को निकालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो ग्रीन वायर है, वो अल्टर नेटिव करंट के लिए है, और जो वायर यहां पर मैं काट रहा हूं अभी, वो डायरेक्ट करंट के लिए है, जो कि 5 वोल्ट देता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है खुल चुका है। और हमें इस मोबाइल चार्जर के सिर्फ इस भाग की जरूरत है, जो कैप है और ये जो दो वायर है, जहां से हमें 5 वोल्ट DC का मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं आप, इसकी जरूरत नहीं है, इस वायर की भी जरूरत नहीं है। चलिए इसको मोड़कर हटा देते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, आप यहां पर जो है याद रखिएगा कि कहां पे अल्टरनेटिव करंट का वायर जुड़ा था, दोनों ग्रीन वायर कहां पे जुड़े थे अभी याद रखिएगा, क्योंकि अभी के लिए हमें इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सा आगे का प्रोसेस करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एक सिंगल स्विच का बोर्ड है। मैं इसे नया खरीद के लाया हूं और यह मुझे 10 रुपए का पड़ा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ स्क्रू मिलेंगे, और स्क्रू कसने के लिए इसमें जो जगह बने हैं ना, यहां पर देख सकते हैं ये चारों, इसको हमें तोड़ना होगा। बस इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यह टूट जाएगा। चलिए इसको तोड़ लेते हैं चारों को। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस चारों को तोड़ लिया था। यह जगह बहुत कैप्चर कर रहा था, थोड़ा सा था चारों कोने पे, लेकिन जगह बहुत छेक रहा था, तो इस ऊपर वाले का भी यूज नहीं है। तो इसी के बराबर मैंने एक सीट काट लिया है, पीवीसी पाइप को जो है फैलाकर मैंने ये सीट बना ली थी, और सीट को इसी साइज का काट लिया है, ताकि मैं यहां पर इसे लगा सकूं। और उसका तो यूज नहीं किया जा सकता था, जो इसके ऊपर वाला भाग था, इसीलिए मैंने यहां पर सीट बना लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बोर्ड के पीछे ये जो हमारा मोबाइल चार्जर से हमने निकाला था, इसको हम चिपकाएंगे। तो चलिए इसके जो कोर है, उसको थोड़ा सा काट लेते हैं, और काटने के बाद इसको मैं सैंड पेपर पर थोड़ा सा रगड़ लूंगा। तो चलिए इस काम को कर लिया जाए। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि मैंने इसके जो चारों कोने हैं, उसको फिनिशिंग दे दिया है। तो इसको चिपकाने से पहले हम इसके दोनों वायर को इसमें डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छेद तो पहले से ही बन चुका है, क्योंकि मैंने जो लॉक तोड़ा था, वहाँ पे छेद बन चुका है। और इसको चारों तरफ हम फेविक्विक से चिपका देंगे। तो इसको मैं चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज करूँगा, आप चाहो तो ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके चारों हिस्सों को, मतलब कि अच्छी तरह से इसको चिपकाना है, ताकि ये जो है दोबारा निकले ना, और फेविक्विक ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चिपक चुका है, और चिपक कर सूख भी चुका है। फेविक्विक जो है सूखने में समय नहीं लेता है। अब चलिए जो सर्किट हमने निकाली थी ना चार्जर की, वही सबसे मेन है। तो इसका हमने कहा था कि याद रखिएगा कि कहां पे अल्टरनेटिव करंट का वायर हम जो है छुड़ा रहे हैं, वहीं पर फिर से सोल्ड करना है। तो मुझे तो याद था, तो चलिए इसको सोल्ड कर देते हैं। तो यहां पर एक वायर मैंने सोल्ड कर दिया है। अब चलिए दूसरे वायर को भी यहां पर सोल्ड कर दिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सोल्ड जो है लगभग हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ये वायर जो है सोल्ड हो चुका है। अब ये जो सर्किट है ना हमारी, इसको हम इस बॉक्स में चिपकाएंगे। और चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू का यूज कर रहा हूँ, ग्लू गन का, और चारों तरफ इस पर जो है थोड़ा सा ग्लू मैं डाल दूंगा, ताकि ये जो हमारे सर्किट है इसमें स्टेबल हो जाए। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और हमें चाहिए होगा एक बजर। ये जो बजर है, मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये कैसा बजता है। आप तो जानते ही होंगे, ये जो बजर है बहुत ही आसानी से आपको जो है मिल जाएगा,
बाइक रिपेयरिंग के शॉप पे, तो ये जो है ठीक है, बजट जो है ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीट मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, ये सीट मैंने बना लिया है ताकि इसके ऊपर मैं लगा सकूँ, ठीक है, इसके ऊपर जो है सीट लगा सकूँ। ये जो है पीवीसी पाइप की सीट है, आप चाहो तो एमडीएफ बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो इस बजर को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, चलिए इसको लगा दिया जाए। तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक यहाँ पर छोटा सा छेद बनाऊंगा, जिसको कि आप देख सकते हैं सोल्डरिंग आयरन के मदद से मैंने बहुत ही अच्छे से बना लिया है। आप किसी भी चीज से छेद बना सकते हो। अब चलिए इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू का यूज कर रहा हूँ। तो छेद के चारों तरफ मैं थोड़ा सा ग्लू गन जो है वो लगा दूंगा, और इस बजर को जो इसका छेद है उसको मैच कराकर यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। बजर से जो साउंड आती है जहाँ पे वहाँ भी छेद मिलेगा, और यहाँ पर भी मैंने छेद कर दिया है। तो दोनों को मैच करा के आपको इसे चिपका देना है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा है वायर। जो ये हमारा वायर है वो ऊपर रहेगा, आपके टंकी में लगी रहेगी, लेकिन आपका ये जो है, ये जो हमने बनाया है वो नीचे रहेगा। तो आपको डिस्टेंस के अनुसार वायर को लेना है, कितना लंबा वायर आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक छेद बनाया ताकि मैं इस वायर को अंदर डाल सकूँ। तो ये जो वायर है उसका एक सिरा हमें कुछ इस तरीके से इसके अंदर डालना है ताकि कनेक्शन जो है हम कर सकें। तो चलिए इसको कनेक्शन करना शुरू करते हैं। कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेगेटिव वायर को आपको सीधा सीधा जोड़ देना है। जो हमारा चार्जिंग सर्किट से 5 वोल्ट आउटपुट का नेगेटिव आ रहा है ना, उसको सीधा सीधा जोड़ देना है। लेकिन जो इसका पॉजिटिव वायर है उसको, जो हमने अभी अभी वायर लगाया, एक उसमें जोड़ना है, ठीक है, और दूसरा जो है चार्जिंग जो हमारा सर्किट है उससे आ रहे पॉजिटिव वायर को जोड़ना है। यानी बजर का जो पॉजिटिव वायर है और चार्जिंग सर्किट का पॉजिटिव वायर, दोनों को हमें इस पे कनेक्ट करना है जो वायर हमने अभी अभी अंदर डाला। बहुत ही इजी कनेक्शन है। और चलिए एक एक करके हम इसके सारे जो वायर हैं, जिस जो वायर हमने कनेक्ट किए उसको सोल्ड कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सोल्ड हो चुका है। सर्किट बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सीधा सीधा कनेक्ट करना है, बस एक जगह आप जैसे स्विच का कनेक्शन करते हैं ना, उसी तरह इस वायर का भी कनेक्शन अभी के लिए कर दीजिए। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर मैं टैप लगा रहा हूं ताकि ताकि यहां पर शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा न रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी वायर्स पे मैंने टैप लगा दिया है। अब बारी है इसको चिपकाने की। तो चलिए इसको अब हम चिपका देते हैं। तो वायर को अच्छे से अरेंज करके इसको हम कुछ इस तरह से, जैसे हमने लगाया था उसी तरह से ऐसे चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी कुछ अरेंज कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बारी है इसको चिपकाने की। तो मैं यहाँ पर फेविक्विक का यूज कर रहा हूँ इसको चिपकाने के लिए। चारों तरफ से इसको चिपका दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर चिपका के छोड़ देते हैं। और ये जो है पूरी तरह से चिपक चुका है, और देख सकते हैं आपकी मैंने इतना लंबा वायर लगाया हुआ है। आप अपने डिस्टेंस के अनुसार आपको इसे कहाँ लगाना है उसके अनुसार वायर को चूज कर सकते हैं, कितना लंबा आपका वायर होगा। यहाँ पर जो इस वायर का दूसरा एंड है ना, उस पर हम एक प्लग लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है प्लग है, ये आपको 5 से 10 रुपए के बीच में आपके नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए इस दोनों वायर को इसके साथ कनेक्ट कर लिया जाए। आई होप कि आपको इसका कनेक्शन आता होगा, बहुत ही इजी कनेक्शन होता है। बस इसके जो दोनों टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल पे हमें दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से मैं इसको कस देता हूँ। तो ये हमारा तैयार हो गया वाटर टैंक अलार्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको यूज करना, अब मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको यूज करना दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वायर है, आप जानते होंगे, ये अपने अनुसार आप लंबा रख सकते हैं। और ये जो है इसको आपको अपने रूम में लगाना है, बालकनी में लगाना है, घर पर लगाना है, एक बोर्ड में चुपचाप इसको खोज देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे लगाना है। तो आपको कुछ इस तरह से इसको लगा देना है, जहां से आप इसकी आवाज को इजिली सुन सकते हो। वैसे इसकी आवाज बहुत ही लाउड होगी। और ये जो हमारा प्लग है ना, आप समझ लीजिए कि ये टंकी है, ठीक है, उसके ऊपर जहां पे ढक्कन लगा होता है, बस उसी के ढक्कन के पास ही इसको लगा देना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये छोटा है, वैसे जो ढक्कन होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जो आपकी टंकी होगी थोड़ी सी बड़ी होगी। अब चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। तो यहां पर पानी भरते ही यहां पर ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें से बीप आने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी टंकी जो है फुल हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कंटिन्यूसली बीप का आवाज दे रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा सर्किट, सब कुछ इसका प्रॉपरली काम कर रहा है। और ये हमारा वाटर टैंक अलार्म बनकर तैयार हो गया। तो आई होप कि आपको इसके इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये वाटर टैंक अलार्म सिस्टम की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। आइए वहां पे बातें किया जाए।